सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तो कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है। और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपी। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। धर्म युद्ध के आह्वान में अब एक तरफ असुर कंस गठजोड़ बनाएगा महाअसुरों से, तथा सर्वप्रथम कंस कालाहारी वन में मिलता है कुवलिया पीड़ शापित हाथी से। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म युद्ध की शिक्षा ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। भूरा वन के जंगल में फंसे राम रूपी श्री कृष्ण किस प्रकार सत्य का बोध कराते हैं भूरा वन को। अब मैं करूंगा तुम्हारा वध और पूर्ण करूंगा अपने पिता का प्रतिशोध। ये तुम नहीं, हमारे भीतर का दोष बोल रहा है। और संदीपनी ऋषि से मिल धर्म युद्ध हेतु शिक्षा प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण। मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे मैं संसार से कंस जैसे पापी और असुरी शक्तियों का नाश कर सकूं। होने वाले धर्म युद्ध में शिक्षा प्राप्त करते श्री कृष्ण के मार्ग में असुर धनु माता संघ करता है विघ्न उत्पन्न, जिसके द्वारा संदीपनी ऋषि भूल जाते हैं समस्त अलौकिक मंत्र। संदीपनी, अब तुम उस कृष्ण को अपनी 16 कलाओं की शिक्षा नहीं दे पाओगे। ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना सारा ज्ञान भूल गया। इस घटना के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई भेद तो छुपा है। मामा कंस की हत्या का प्रण लिए श्री कृष्ण ग्रहण करेंगे ऋषि संदीपनी से उत्कर्षणी कला का ज्ञान। अब मैं आप दोनों को उत्कर्षणी कला, उस कला का ज्ञान दूंगा। और अपने पुत्र श्री कृष्ण पर विश्वास जता असुर कंस को चेतावनी देती है माता देवकी। मेरा 8वां पुत्र तुम्हें ऐसी मृत्यु देगा कि संसार में दोबारा कोई अधर्म करने का प्रयास तक नहीं करेगा। होने वाले महासंग्राम में असुर राज कंस अपना प्रचंड चक्रव्यूह रचेगा उन महाबली असुरों के साथ जिन्हें भगवान विष्णु भी पराजित नहीं कर सकते। कूट, छल, कौशल और मुष्टिक मेरे अवतार का अहित करने में सक्षम है, किंतु प्रभु ये परम अवतार श्री कृष्ण के लिए अत्यंत विकट संकट है। और अल्प समय में धर्म शिक्षा ग्रहण करते श्री कृष्ण के लिए बढ़ेंगी दुविधाएं। धर्म युद्ध के प्रथम चरण में श्री कृष्ण प्रेरणादायी बनेंगे सक्षम मनुष्यों के लिए। ये लीजिए कहा कि अब समय आ गया है अपने शिशु की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने का। मेरे जीवन की अंतिम सांस तक अपने पुत्र के लिए मैं संघर्ष करूंगी, चाहे मेरा अंत ही क्यों ना हो जाए, किंतु मेरे पुत्र का अंत अब कोई नहीं कर सकता। दामू काका, मुझे पता है आपको भी भूख नहीं लगी है, हमें तो लगी है। भोजन बनाने में हमारी सहायता कीजिए ना। कान्हा के वियोग में सब ऐसे दुखी हैं कि कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। ग्वाला जानता था कि यह होने वाला है, तभी उसने हमसे कहा था कि मेरे और दाऊ के नहीं रहने पर वृंदावनवासियों को असुर से बचाने का उत्तरदायित्व तुम पे है। हमें पता है हमें क्या करना है, कैसे आप लोगों का यही दुख दूर करना है। हमने अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया है, लो काकी भोजन खाओ
अभी इच्छा नहीं है राधा बेटिया। रामू काका आप तो खाइए। भोजन तो हम आप लोगों को करा कर ही रहेंगे और हम जानते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना है। कला का ज्ञान अर्जित करते श्री कृष्ण के परिवार पर आता है कर्णासुर नामक भयंकर संकट। असुर राज, मैंने वृंदावन वासियों की सुनने की शक्ति छीन ली है। अब ये एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। सबके सब बहरे हो गए। काका, ये तो विचित्र संकट है, कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा। जिससे सुरक्षा प्रदान करने राधा धारण करेंगी वीरा लक्ष्मी का रूप। तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि अगले एक हफ्ते के अंदर अखिलेश तुम्हें छोड़कर वापस मेरा हो जाएगा। रोक सको तो रोक लो। We'll see, ईरा। अगर तुम सच में ईरा को हराना चाहती हो, उसकी टूटती नस को ढूंढो। Find her weak point, damn it. अभी का धंधा मंदा है, पर मिलन लॉज का धंधा अभी भी फायदे में है। इन छोटी कफ सिरप के अंदर हम शराब भर के देते हैं ना, इनकी वजह से। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप दोनों की? आपके पास कोई दवाई है? ये लीजिए आपकी दवाई। मैं ना फटाफट से ये सारी दवाई पी लेती हूँ। माधव, चीते की चाल और नीलांबरी के जाल से कोई नहीं बच सकता चित्रा। यो सब तो ठीक से बापू। हाँ। पहले हमारे एक सवाल का जवाब दे। हाँ हाँ, तो पूछो पूछो। सोचो, एक नाव जा रही है, उस पे तू, मम्मी और दादी तीनों बैठे हो। एंड देयर इज अ राउंड राउंड होल थिंग इनसाइड द मिडल ऑफ द बोट। मतलब नाव में छेद हो जाए तो आप दादी को बचाओगे या मम्मी को? कितनी हसीन कमर है इसकी। चुड़ैलें, मौत की शक्लें, मायावी दर्पण के रखवाले हैं। पुतलियों के रहस्य जिसने अपनी कोख में संभाले हैं। समझ गए हम बेताब, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर उसी जंगल में मिलेंगे। और जंगल का रास्ता जितना दुर्गम है उतना ही भयावह। 32 पुतलियों का रहस्य जानने आए विक्रम और बेताल फंस जाते हैं मृत्यु अग्नि चक्र में।